शनि की साढ़े साती का नाम सुनकर लगभग सभी के मन में एक अजीब सा डर आ ही जाता है। साढ़े साती को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं और बेवजह का डर भी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर साढ़े साती होती क्या है, इसके प्रभाव क्या होते हैं और वीडियो के अंत में मैंने शनि संबंधित कुछ उपाय भी बताए हैं जो सभी के लिए मान्य हैं, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साढ़े साती के बारे में और मैं आपके मन से साढ़े साती के प्रति इस डर और गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं कि साढ़े साती हमेशा सिर्फ परेशानियां और कठिनाइयां लेकर आती है। ऐसा नहीं है दोस्तों, साढ़े साती आपके जीवन को ऐसी खुशियों और कामयाबियों से भी भर सकती है जिसकी आपने अपने जीवन में कभी कल्पना भी ना की हो, और इस वीडियो के अंत तक आपको ये समझ भी आ जाएगा साढ़े साती क्या होती है और इसके प्रभाव क्या होते हैं। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से अवश्य देखें और इसे पूरा देखें, या इसे तब देखें जब आपके पास इसे पूरा देखने के लिए पर्याप्त समय हो, वरना आधा अधूरा वीडियो देखकर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में आपको पूरी जानकारी दे पाऊँ। दोस्तों, साढ़े साती का मतलब होता है साढ़े सात, क्योंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 साल रहते हैं और जब शनि अपनी चंद्र कुंडली के द्वादश भाव मतलब 12th हाउस, फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस से गोचर करते हैं मतलब ट्रांजिट करते हैं, तो इन तीनों भावों से गोचर करने में शनि को कुल 7.5 वर्ष का समय लगता है। दोस्तों, क्योंकि साढ़े साती में सिर्फ शनि ग्रह की भूमिका है, तो सबसे पहले हम शनि ग्रह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नवग्रहों में शनिदेव से ज़्यादा कोई न्याय धर्मी ग्रह है ही नहीं। शनिदेव का प्रभाव जब भी हमारे जीवन पर होता है तो वो भले ही हमें थोड़ा सा तपा दें, थोड़ा सा परेशान कर दें, लेकिन उसके बाद व्यक्ति खरा सोना बनकर निकलता है। शनि काल पुरुष की कुंडली में कर्म और लाभ स्थान के मालिक हैं और किसी भी प्रकार के लाभ के लिए कर्म की प्रधानता है, और ज्योतिष में कर्म को ही प्रधानता दी गई है, और लाभ के लिए लोग अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के कर्म करते हैं और शनि आपके सभी कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। शनि को न्याय और संतुलन का ग्रह भी कहा जाता है। शनि आपके इस जन्म और पिछले जन्म सभी कर्मों का और कार्यों पर निगाह रखते हैं, उनका लेखा जोखा रखते हैं और उसी आधार पर आपको फल देते हैं। दोस्तों, वैसे तो शनि का प्रभाव पूरा जीवन ही बना रहता है, पर शनि की महादशा और साढ़े साती में इसका प्रभाव विशेष रूप से रहता है, क्योंकि साढ़े साती के दूसरे चरण में शनिदेव चंद्र लग्न से गोचर करते हैं, और अगर आपकी कुंडली में चंद्र नीच राशि में है मतलब वृश्चिक राशि में है, या शनि की किसी राशि में है मतलब मकर या कुंभ राशि में है, तो तब ये आपको मानसिक रूप से अधिक परेशान कर सकता है। शनि आपको आपके किए हुए सभी कर्मों का फल साढ़े साती में जरूर देता है, और आप माने या ना माने, आप इसका जो प्रभाव है वह प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन में खुद महसूस कर सकते हैं। और वो फल क्या होंगे, ये आपके किए हुए कर्मों पर मतलब आपके किए हुए कार्यों पर और कर्मों पर निर्भर करता है कि वो आपने किस नियत के साथ किए, किसका दिल दुखा के किए या किसका दिल जीत कर किए, और इसलिए शनि को न्याय का कारक माना जाता है। साढ़े साती का शुभ फल आपको कामयाबी के चरम पर ले जा सकता है, शिखर पर ले जा सकता है, और आपको वो सब दे सकता है कि जिसकी आपने अपने सपनों में भी कल्पना ना की हो, और दूसरी तरफ ये आपको राजा से रंक बनाने की भी शक्ति रखता है। आइए अब साढ़े साती के गोचर प्रभाव को समझ लेते हैं। अपने पहले चरण में शनि आपके 12th हाउस पर गोचर करते हैं, और कुंडली में 12th हाउस व्यय भाव का कहलाता है मतलब खर्चों का भाव। ये जेल यात्रा को भी प्रदर्शित करता है, ये हॉस्पिटलाइजेशन, फॉरेन ट्रेवल, शारीरिक भोग मतलब जो फिजिकल डिज़ायर होती है उसको भी इंडिकेट करता है। ये एजाइलम मतलब पागलखाना, जेल या कोई भी ऐसा स्थान जो आपकी आज़ादी छीन ले, इन सभी को रिप्रेजेंट करता है। ये कुंडली का अंतिम घर है और ये आपको आपकी सभी प्रिय चीज़ों से अलग कर सकता है। ये मोक्ष का भी घर है और ये आपको विदेश यात्रा का योग भी दे सकता है, या फिर आपको आपके घर से दूर ले जा सकता है। शनि जब चंद्र कुंडली के 12th हाउस से गोचर करते हैं तो ये आपके कर्म के हिसाब से इस घर से संबंधित फल देते हैं। यदि शनि
आपकी कुंडली में बलशाली हैं, बली हैं, तो ये आपको शुभ फल देंगे। मतलब ये या तो फंक्शनल बेनिफिक हो या शुभ राशि में बैठे हों, शुभ राशि में इनका गोचर हो, तो ये आपको कर्जा देने की बजाय आपको कर्जों से मुक्त करेंगे, आपको सुखद विदेश यात्रा दे सकते हैं। और कुंडली में यदि शनि की पोजिशन खराब है तो इसका उल्टा प्रभाव भी ये यहाँ पर दिखा सकते हैं। मतलब ये आपको भारी कर्ज में डुबो सकते हैं, आपको जेल यात्रा या कोर्ट कचहरी के चक्करों में उलझा सकते हैं। कुल मिलाकर ये आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ सकते हैं। शनिदेव 2.5 साल 12th हाउस में रहने के बाद प्रथम भाव मतलब फर्स्ट हाउस में गोचर करते हैं और फिर यहाँ अगले 2.5 साल तक रहते हैं। शनि का प्रभाव आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्या या खराब स्वास्थ्य में सुधार दे सकता है। शनि बुढ़ापे के कारक है तो इसलिए ये आपको दुनिया को अलग तरीके से देखने का नज़रिया भी दे सकता है। शनि की अच्छी पोजीशन आपको बिजनेस में, नौकरी में, राजनीति में सक्सेस दिला सकती है और दूसरी तरफ आपका जमा जमाया काम ऐसा ख़राब कर सकती है कि आप निराशा के चरम पर जा सकते हैं। प्रथम भाव में 2.5 साल रहने के बाद शनि अपने अंतिम पड़ाव जो कि द्वितीय भाव है, मतलब सेकंड हाउस है, से गोचर करते हैं। द्वितीय भाव धन भाव कहलाता है। खराब शनि आपकी चल अचल संपत्ति को भारी नुकसान दे सकता है और परिवार में कलह और असंतोष भी दे सकता है। आपको अपने परिवार का भारी विरोध झेलना पड़ सकता है क्योंकि सेकंड हाउस से परिवार भी देखा जाता है। और शुभ शनि आपके धन को कई गुना बढ़ा सकता है और परिवार के बीच मतभेदों को दूर भी कर सकता है। मुझे मालूम है कि आपके मन में ये विचार जरूर आ रहा होगा कि आपकी कुंडली के हिसाब से शनि शुभ हैं या अशुभ, आपको कैसे पता चलेगा, और आपकी 7.5 साथी कब शुरू होगी, कब खत्म होगी, या अभी आप 7.5 साथी के किस चरण में हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शनि फिलहाल मकर राशि से गोचर कर रहे हैं और ये यहाँ 22 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। और यदि आपकी चंद्र राशि कुंभ है तो अभी शनि आपके प्रथम चरण में है, और यदि आपकी जो राशि है वह मकर है तो आप 7.5 साथी के दूसरे चरण में हैं, और यदि आपकी धनु राशि है तो आप 7.5 साथी के अंतिम चरण में हैं। परंतु शनि के अच्छे बुरे फल को जानने के लिए आप किसी अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको शनिदेव संबंधित कुछ प्रैक्टिकल उपाय बताने वाला हूँ। दोस्तों शनिदेव को शांत करने के लिए आप अपने कर्मों पर विशेष रूप से ध्यान दें। कभी भी जानबूझकर कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी का नुकसान हो या मन दुखे। जो चीज़ आपके लिए मायने नहीं रखती, हो सकता है वही चीज़ दूसरों के लिए बहुत मायने रखती हो। कभी भी किसी गरीब का दिल दुखी ना करें, उनको कभी भी किसी तरह की पीड़ा ना दें, और अपने से छोटे कर्मचारियों को प्रताड़ित बिना करें उन पर रौब ना झाड़ें, क्योंकि शनि गरीबी और छोटे पद पर काम करने वाले लोगों के कारक हैं। और कई बार छोटे पद के व्यक्ति जिन्हें आप कुछ भी नहीं समझते आपके बड़ा सा बड़ा काम बिगाड़ सकते हैं और तमीज और प्यार से पेश आने पर आपके काम बनवा भी सकते हैं। पिछले जन्म के कर्मों पर और जीवन पर आपका कोई बस भी नहीं, और हो सकता है कि आपको पिछले जन्म पर विश्वास भी ना हो, पर आपके इस जन्म के कर्म आपके बस में हैं, आपके नियंत्रण में हैं। और याद रखिए, भाग्य कर्म प्रधान है और आप अपने कर्मों से इसे बदल भी सकते हैं। ज्योतिष भी यही बात कहता है कि भाग्य कर्म प्रधान है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप गरीब, बूढ़े, असहाय और अपंग और बीमार लोगों की दिल से सेवा करें, और अगर सेवा नहीं कर सकते तो बस इतना ध्यान जरूर रखें कि आपकी वजह से इन्हें किसी भी तरह की पीड़ा ना हो, किसी भी तरह का दुख इन्हें आपकी वजह से ना झेलना पड़े। इनका तिरस्कार बिल्कुल भी ना करें, इनके प्रति आदर भाव रखें। अगर अनजाने में या मजबूरी में कोई ऐसा गलत काम हो गया हो तो सच्चे दिल से उसके लिए भगवान से माफ़ी जरूर मांगें और अनुकूल प्रायश्चित भी करें, क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है शनिदेव की मार तो आप पर पड़े परंतु उसका प्रभाव कम हो। शनिवार को दोस्तों शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया भी जलाएं। अपने माता पिता का जो है दिल बिल्कुल भी ना दुखाएं, उनका पूरा आदर सम्मान करें, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, और उनके जो दिल से दुआ निकलती है वह बहुत प्रभावी होती है, बहुत कल्याणकारी होती है। तो जितना उसे बटोर सकते हैं तो बटोरें, सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। शनिदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, आप हमेशा खुश रहें, कामयाब रहें और स्वस्थ रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं हेमंत बरुआ आपसे आज्ञा चाहूँगा। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।